हेलो स्टूडेंट, वार्म वेलकम पीटीसी क्लासेस। टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व एक्सरसाइज 10.2 एक्सरसाइज 10.2 क्वेश्चंस। ठीक, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है स्टूडेंट, लेट्स वी विल सॉल्व एक क्वेश्चन नंबर फर्स्ट फ्रॉम अ पॉइंट क्यू। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, फ्रॉम अ पॉइंट क्यू द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू अ सर्किल इज 24 सेंटीमीटर। देखिए बोला कि एक पॉइंट क्यू है और द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू अ सर्किल इज 24 सेंटीमीटर। सर्किल से एक टेंजेंट बनाएंगे, वो कितने सेंटीमीटर का है? 24 सेंटीमीटर का है। एंड द डिस्टेंस ऑफ ए क्यू फ्रॉम द सेंटर इज 25 सेंटीमीटर। और डिस्टेंस कितना है क्यू से सेंटर से? 25 सेंटीमीटर। द रेडियस ऑफ द सेंटर इज, रेडियस सेंटर का क्या? रेडियस निकालना। ठीक है, सर्किल के सेंटर से रेडियस निकालना है। अब देखिए स्टूडेंट, सी एक सर्किल बना लेते हैं, एक बार में अच्छा नहीं बन रहा है अभी फिलहाल। चलिए, एक सेंटर से ए सर्किल बन गया, ये क्या है? सेंटर ओ। ठीक, सेंटर ओ। अब बोला गया यहाँ से कि फॉर्म अ पॉइंट क्यू, द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू अ सर्किल इज 24 सेंटीमीटर और द डिस्टेंस ऑफ क्यू। मान लीजिए यहाँ पे कोई डिस्टेंस क्यू है, यहाँ पे कोई डिस्टेंस क्या है क्यू, मानिए यहाँ पे कोई डिस्टेंस, मान लीजिए कोई पॉइंट क्यू है, तो यहाँ से टेंजेंट ठीक, ये टेंजेंट ये पॉइंट पी है और ये पॉइंट क्यू है। ठीक, तो ये टेंजेंट ड्रॉन कर दिया। स्टूडेंट यू वेरी वेल नो टेंजेंट इज अ पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट वन इन ओनली वन पॉइंट। ठीक, टेंजेंट क्या होता है? केवल और केवल एक पॉइंट को टच करे उसे हम टेंजेंट बोलते हैं सर्किल में। तो बोला है कि क्यू से पी की दूरी डिस्टेंस कितनी है? द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू अ सर्किल इज 24 सेंटीमीटर एंड द डिस्टेंस ऑफ क्यू फ्रॉम द सेंटर 25। तो इसकी डिस्टेंस जो है वो 24 सेंटीमीटर है। ठीक, अब देखिए बोला है कि क्यू से ओ की सेंटर की दूरी कितनी है? 25 सेंटीमीटर। तो ये दूरी कितनी है? 25 सेंटीमीटर। अब स्टूडेंट देखिए यहाँ पे सॉल्यूशन करेंगे, सॉल्यूशन। ठीक, अब देखिए रेडियस, रेडियस क्या है यहाँ से? ओ से पी हमारा क्या है? रेडियस है, और हमें यही डिस्टेंस निकालना है। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्किल, है ना, रेडियस ऑफ द सर्किल निकालना है। द रेडियस ऑफ द सेंटर इज, रेडियस ऑफ सर्किल होगा, मैं भी बुक में चेक कर लेते हैं। ठीक, क्या है? द रेडियस ऑफ ए ऑफ द सर्किल, सी आई आर सी एल ई, रेडियस ऑफ द, रेडियस ऑफ द सर्किल। ठीक, अब देखिए यहाँ पे एक सर्किल है, अब इस सर्किल में टेंजेंट है, टेंजेंट क्या है? ओ पी। तो हम क्या राइट कर सकते हैं हियर? टेंजेंट पी क्यू, ठीक, एंड ओ क्यू इज परपेंडिकुलर ऑन पी क्यू, देन डिस्टेंस ऑफ पी क्यू इक्वल 24 सेंटीमीटर एंड ओ क्यू इज 25 सेंटीमीटर, देन वी विल फाइंड पी ओ, देन वी विल फाइंड पी ओ। अब देखिए ये कितने डिग्री का कोण बना रहा है? 90 डिग्री का एंगल। देखिए इट मेक 90 डिग्री एंड दिस इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। देन वी हैव टू सॉल्व, फाइंड द रेडियस, वी हैव टू यूज़ पैथागोरस थ्योरम। देखिए पैथागोरस थ्योरम का यूज़ होगा। अब देखिए पैथागोरस थ्योरम क्या होता है? हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर बाई पैथागोरस थ्योरम, बाई पैथागोरस थ्योरम, बाई पैथागोरस थ्योरम। अब स्टूडेंट देख सकते हैं हाइपोटेनस, हाइपोटेनस इसमें क्या है? ओ क्यू, एंड परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा? पी क्यू, तो बेस क्या हो जाएगा? ओ पी या पी ओ। ठीक, बेस ओ पी या पी ओ, तो हाइपोटेनस क्या है यहाँ पे स्टूडेंट? ओ क्यू, ओ क्यू का होल स्क्वायर। परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा? पी क्यू
का होल स्क्वायर, देन बेस क्या हो जाएगा, पी ओ या ओ पी, चलो पी ओ लिख देते हैं, पी ओ का होल स्क्वायर, ऑकवर्ड लगता है, ओ पी लिख दीजिए, इसको भी ओ पी, ठीक। ओ क्यू, ओ क्यू कितना मीटर है देख लीजिए स्टूडेंट, 25 सेंटीमीटर, 25 होल स्क्वायर। पी क्यू कितना है, 24, एंड देन वी विल फाइंड टू ओ पी, तो 25 का क्या होता है स्क्वायर स्टूडेंट, 625, देन 24 का होता है स्टूडेंट 576, देन ओ पी स्क्वायर। अब यहाँ से देखिए 625 माइनस 576 इक्वल ओ पी का स्क्वायर, तो ओ पी का स्क्वायर 15 में 6 जाए तो 9, देन 11 में 7 तो 49, और 6 में 6 तो 6, और ओ पी का स्क्वायर। अब देखिए स्क्वायर इधर हट के आएगा तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, अंडर रूट। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि ओ पी की वैल्यू क्या आ जाएगी, ओ पी इक्वल 7 आ जाएगा, 49 का क्या होता है स्क्वायर रूट 7, 7 का क्या होता है स्क्वायर 49, तो ओ पी इक्वल 7 सेंटीमीटर, ठीक। तो यहाँ पे हम क्या राइट कर सकते हैं, 10 द रेडियस ऑफ सर्किल इज 7 सेंटीमीटर, तो हियर ऑप्शन नंबर ए इज 7 सेंटीमीटर, तो ऑप्शन नंबर ए क्या है 7 सेंटीमीटर, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। देन ओके स्टूडेंट, पॉज द वीडियो एंड राइट इट, वी विल प्रोसीड टू नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, वी विल अंडरस्टैंड क्वेश्चन देन वी विल सॉल्व क्वेश्चन। इन फिगर 10.11, देखिए फिगर यहाँ पे है, फिगर 10.11, ठीक। देखिए इफ टी पी एंड टी क्यू आर द टेंजेंट्स, ठीक, टू टेंजेंट, देखिए टी पी एंड टी क्यू क्या है, दो टेंजेंट्स है। और स्टूडेंट्स यू ऑल नो वेरी वेल कि हु विच कैन कॉन्टैक्ट ओनली वन पॉइंट ऑफ ए सर्किल इज कॉल्ड टेंजेंट, तो एक पॉइंट को जो स्पर्श करके जाती है उसे क्या बोलते हैं, टेंजेंट बोलते हैं। देखिए यहाँ पे टू टेंजेंट्स है, पी टी एंड टी क्यू, टू अ सर्किल विथ अ सेंटर ओ, ओ सेंटर है, दैट पी ओ क्यू इज 110 डिग्री, देखिए पी ओ क्यू कितना एंगल है 110 डिग्री, देन पी टी क्यू इज इक्वल टू, तो क्या निकालना है, पी टी क्यू की वैल्यू निकालना है अपन को। तो यहाँ से देखिए जो गिवन है, सबसे पहले हम ये राइट करते हैं, फ्रॉम द फिगर पी टी एंड टी क्यू, टी पी एंड टी क्यू आर टू टेंजेंट्स फ्रॉम द फिगर टी पी एंड टी क्यू आर टू टेंजेंट्स, द रेडियस ऑफ दीज टेंजेंट्स, द रेडियस ऑफ दीज टेंजेंट्स विल बी परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट्स, टू द टेंजेंट, ठीक। अब देखिए स्टूडेंट बोले कि ओ पी, ओ क्यू और ओ पी क्या है, रेडियस है। आप देख सकते हैं कि ओ पी एंड ओ क्यू क्या है, रेडियस है स्टूडेंट। तो जो रेडियस है वो टेंजेंट में अगर परपेंडिकुलर होगा तो कितने डिग्री का एंगल बनाएगा, 90 डिग्री का, कितने डिग्री का एंगल बनाएगा, 90 डिग्री का। तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स कि ओ पी टी 90 डिग्री, देन पी टी क्यू कोई एंगल नहीं है जो हमें फाइंड करना है, पी टी क्यू फाइंड करना है, देन क्यू ओ पी या फिर पी ओ क्यू 110 है, देन ओ क्यू क्यू एंगल कितना है 90 डिग्री। तो वी विल राइट फर्स्ट ऑल एंगल्स, तो फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन है पी ओ क्यू इज 110 डिग्री एंगल, देन नेक्स्ट एंगल पी टी क्यू फाइंड करना है। अब इसी तरह एंगल क्या हो जाएगा, टी क्यू ओ इज 90 डिग्री, देन एंगल पी ओ क्यू, तो राइट कर दिए यहाँ से पी ओ क्यू इतना है, देन ओ पी टी, पी ओ क्यू 100 डिग्री, देन ओ पी एंगल ओ पी टी इज 90 डिग्री एंगल, ठीक।
अब देखिए स्टूडेंट, ऑल वेरी वेल यू नो सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज 360। तो वी हैव टू यूज सम ऑफ इंटीरियर एंगल लॉ। तो देखिए एंगल यहाँ से देख आप राइट करते हैं पी एंगल पी टी क्यू एंगल पी टी क्यू प्लस एंगल टी क्यू ओ प्लस एंगल पी ओ क्यू पी ओ क्यू देन एंगल ओ पी टी ओ पी टी इक्वल 360 डिग्री। तो रीजन क्या लिखना पड़ेगा, सम ऑफ इंटीरियर एंगल इज 360 डिग्री। ठीक, अब देखिए पी टी क्यू पी टी क्यू एंगल हमें फाइंड करना है, देन एंगल टी क्यू टी क्यू ओ इज 90 डिग्री, देन एंगल टी क्यू 90 डिग्री, देन एंगल पी ओ क्यू इज 110 डिग्री, देन एंगल ओ पी टी देन एंगल ओ पी टी इज अगेन 90 डिग्री इक्वल 360 डिग्री। अब यहाँ से स्टूडेंट देखिए एंगल पी टी क्यू प्लस 90 और 90 कितना हो जाएगा 180। ठीक, 180 देन 190 देन 290 डिग्री इक्वल 360 डिग्री। देन एंगल पी टी क्यू इक्वल 360 डिग्री माइनस 290 डिग्री। अब देख सकते हैं इसमें पी टी क्यू 360 माइनस 290 डिग्री तो कितना हो जाएगा, यहाँ से आप 10 में 0 में 0 गए 0, देन 16 में 9 गए तो 7 एंड देन 2 में 2 गए तो डिग्री 70 डिग्री। तो एंगल पी टी क्यू इक्वल 70 डिग्री। तो हियर हम क्या फाइंड कर लिए हैं, एंगल पी टी क्यू एंड एंगल पी टी क्यू इज 70 डिग्री, देन करेक्ट ऑप्शन इज बी। ओके स्टूडेंट, पॉज द वीडियो एंड राइट इट, वी विल प्रोसीड टू नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर थर्ड है, इफ टेंजेंट्स पी ए एंड पी बी फ्रॉम अ पॉइंट पी टू अ सर्किल विद अ सेंटर ओ, बोला है सेंटर ओ से क्या ड्रॉ कर रहे हैं, पी ए एक टेंजेंट और एक पी बी टेंजेंट है, सेंटर ओ आर इंक्लाइन टू ईच अदर एट एंगल ऑफ 80 सेंटीमीटर, दोनों साइड टेंजेंट के जो एंगल बना रहा हो 80 डिग्री है, देन पी ओ ए इज इक्वल टू। तो पी ओ ए एंगल क्या है, अब देखिए स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल बी ड्रॉ डायग्राम, दिस इज द सेंटर ओ। ठीक, अब बोला है टेंजेंट पी ए, अब टेंजेंट आप लोग जानते हैं कि एक पॉइंट को, सर्किल के एक पॉइंट को टच करके जाए उसे क्या बोलते हैं, टेंजेंट। तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट, और ठीक, यहाँ से देखिए स्टूडेंट, ये क्या है, मान लीजिए पी, ये क्या है पी, तो पी ए ये पॉइंट जो मिल रहा है क्या है आपका, टेंजेंट पी ए, देन नहीं तो ऐसे भी कर सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि सीधे में, ये सर्किल है, ये पॉइंट यहाँ मान लीजिए टच कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा ये, एंड देन हियर, तो पी ए एंड पी बी, देखिए पी ए एंड पी बी क्या है, टेंजेंट है। ठीक, पॉइंट पी टू अ सर्किल विद द सेंटर ओ बी इंक्लाइन टू ईच अदर एट एंगल ऑफ 80 डिग्री, बोला है कि इन दोनों के साइड में कितना डिग्री का, 80 डिग्री का एंगल बना रहा है, कितने डिग्री, 80 डिग्री का एंगल बना रहा है। ठीक, अब बोला है कि देन एंगल पी ओ इज इक्वल टू, तो एंगल पी ओ ए फाइंड करना है, क्या एंगल फाइंड करना है, पी ओ ए। तो अब देखिए इसे हम क्या कर सकते हैं, ड्रॉ, ठीक, ड्रॉ पी ओ, पी ज्वाइन पी एंड ओ, तो वी विल कम टू द सॉल्व पार्ट। ओके, गिवन पी ए एंड पी बी आर
टू टेंजेंट्स, पी एंड पी बी आर टू टेंजेंट्स ऑफ स्टूडेंट मार्कर ये है, तो इससे हम क्या कर लेते हैं नेक्स्ट, पी ए एंड पी बी आर टू टेंजेंट्स देन हियर फ्रॉम फिगर ओ ए इज परपेंडिकुलर ऑन पी ए एंड ओ बी इज परपेंडिकुलर ऑन पी बी। देखिए ओ ए परपेंडिकुलर ऑन पी बी पी ए एंड ओ बी इज परपेंडिकुलर ऑन पी ए। तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट कि जब भी परपेंडिकुलर होता है तो कितने डिग्री का कोण बनाता है, 90 डिग्री का। यहाँ कितने डिग्री का, 90 डिग्री का हो जाएगा। तो आपके पास एंगल ए पी, देखिए एंगल आपके पास क्या क्या है, ए ओ बी, देन एंगल बी ए ओ बी, देन ओ बी पी, देन बी पी ए, देन ए ओ बी। ठीक, तो हमें फाइंड क्या करना है, पी ओ ए, तो पी ओ ए क्या फाइंड करना है, एंगल पी ओ ए। तो आप देख सकते हैं कि पी ओ ए क्या है, एंगल ऑफ ए ओ बी का हाफ। ठीक, चलिए लिख लेते हैं कुछ रेडियस इस परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट, टू द टेंजेंट। ठीक है, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट, देन वी हैव टू गिवन एंगल, हमारे पास एंगल जो है ए ओ बी, ठीक ए ओ बी, ये तो है नहीं अपने पास, फाइंड करना है ए ओ बी, देन एंगल ओ बी पी इज 90 डिग्री, देन एंगल बी पी ए इज 80 डिग्री, देन एंगल पी ए ओ इज 90 डिग्री। ठीक, कितने, यहाँ देखिए एंगल ए ओ बी कुछ नहीं दिया है, ठीक इसे फाइंड करना भी, एंगल ओ बी पी 90 डिग्री, देन एंगल बी पी ए 80 डिग्री, देन एंगल पी ए ओ इज 90 डिग्री अगेन। तो हम क्या लगा दें, क्वाड्रिलेटरल सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज 360, है ना। क्वाड्रिलेटरल के अंतः कोण का योग कितना होता है, 360 होता है। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ से एंगल ए ओ बी, देन एंगल ओ बी पी, देन एंगल बी पी ए, देन एंगल पी ए ओ इक्वल 360 डिग्री, देन सम ऑफ इंटीरियर एंगल इज 360 डिग्री। ठीक, सम ऑफ इंटीरियर एंगल इज 360। देख लीजिए एंगल ए ओ बी कुछ नहीं है, तो हमें फाइंड करना है एंगल ए ओ बी, देन एंगल ओ बी पी, देन एंगल ओ बी पी इज 90 डिग्री, देन एंगल बी पी ए कितना डिग्री, 80 डिग्री, देन एंगल पी ए ओ, पी ए ओ इज 90 डिग्री इक्वल 360 डिग्री। अब यहाँ से देखिए एंगल ए ओ बी प्लस 90 और 90 क्या हो जाएगा, 180, 180 270 होता है, तो क्या हो जाएगा 260 डिग्री इक्वल 360 डिग्री। यहाँ से एंगल ए ओ बी इक्वल 360 माइनस 260 डिग्री, तो एंगल ए ओ बी इस 0 से 0 गए, 6 में 0 और 3 में 1, तो क्या आ चुका है हमारे पास, एंगल ए ओ बी इस 100 डिग्री। ओके जी, देन वी विल सॉल्व अग फर्दर हियर, ओके देखिए यहाँ से पी ए इक्वल पी बी टेंजेंट ऑन द सेम सर्किल, टेंजेंट इन द सेम सर्किल, टेंजेंट इन द सेम सर्किल इज इक्वल टू, देन ओ ए इक्वल ओ बी इज रेडियाई ऑफ, रेडियाई
ऑफ सर्किल, ऑफ सेम सर्किल, देन ओ पी इक्वल ओ पी इज कॉमन साइड। तो हम क्या कह सकते हैं कि साइड 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 और ए साइड और ए साइड और ए साइड 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 एंगल से क्या प्रूफ की कर दिए कि ट्रायंगल पी ए ओ इज कॉन्ग्रेंट, पी ओ ए इज कॉन्ग्रेंट, पी ए ओ इज कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल पी बी ओ क्या हो जाएगा, यस यस कॉन्ग्रेंसी कॉन्ग्रेंसी सी ओ कॉन्ग्रेंस क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रेंस हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ स्टूडेंट कि देखिए एंगल पी ओ ए इज क्या हो जाएगा, एंगल पी ओ ए, पी ओ ए इज हाफ ऑफ एंगल ए ओ बी, हाफ ऑफ एंगल ए ओ बी। तो एंगल पी ओ ए हाफ ए ओ बी कितना है, 100 डिग्री है, तो 2 से कट जाएगा 50 टाइम्स, तो क्या हो जाएगा एंगल पी ओ ए इज 50 डिग्री। तो स्टूडेंट देखिए एंगल पी ओ ए इज 50 डिग्री, तो एंगल कितना है 50 डिग्री है हमारा क्या पी ओ ए। तो देखिए करेक्ट आंसर इज ए नंबर। ओके स्टूडेंट देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड द क्वेश्चन देन सॉल्व। ओके स्टूडेंट पॉज द वीडियो एंड राइट इट, वी विल प्रोसीड टू नेक्स्ट क्वेश्चन।